हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में। तो लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी बसेस पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या आपको करंट सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना? अब आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है कि आप इन टच हो लेकिन सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप यू नो एक कनेक्शन में हो पर्सन के साथ और पर्सन टाइम डिमांड कर रहा है और आपके पास टाइम देने को नहीं है। तो आप जानना चाह रहे हो कि मूव ऑन करना बेटर ऑप्शन है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। जो भी करंट सिचुएशन है उसके बारे में ध्यान करो ताकि हम उसकी सही एनर्जीज को पिकअप कर सकें आपके लिए, और साथ में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टिक अराउंड। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना? स्टॉप, नोप। आप जो करंटली कर रहे हो ना इस सिचुएशन को लेकर, वो आपको स्टॉप करना है लेकिन आपको मूव ऑन नहीं करना है। सो एक तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है कि अगर आप राइट नाउ एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है आपके पर्सन के एंड से, यू नीड टू स्टॉप गिविंग योर सेल्फ टू दैट पर्सन। आपको अपने आप को होल्ड बैक करना है, आपको अपना इस पर्सन से इतना डिस्टेंस कर लेना है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे। जैसे अगर आप रोज़ मैसेज करते हो, रोज़ बात करते हो, पर्सन आपको स्टिल इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आपने अब मैसेज नहीं करना है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वेट करो, पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेगा। वो खुद वरीड होगा, वो खुद इनसिक्योर होगा कि आज आपने मैसेज क्यों नहीं किया। सो आप जो भी कर रहे हो, जिस तरह से भी पैटर्न एक चला रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो नीड्स टू स्टॉप। जो पैटर्न है आपकी लव लाइफ में करंटली, आपके करंट सिचुएशन में, जिसकी वजह से आप पूछ रहे हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं, तो ये पैटर्न हैज टू स्टॉप। कहीं ना कहीं आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। अगेन, अगर आपका पर्सन बार बार आपके पास आता है फिर छोड़ देता है, फिर आता है फिर छोड़ देता है, तो ये पैटर्न हैज़ टू स्टॉप। जब ये पैटर्न स्टॉप होगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक अनहेल्दी पैटर्न चल रहा है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ राइट ना, जो कि नीड्स टू बी स्टॉप। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, कोई भी सिचुएशन में, अगर आप इन टच नहीं हो, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो पर्सन के बारे में और इसलिए आपको कभी कभी लगता है कि शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर्सन नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। उसकी वजह से भी दीवान के तरफ से मैसेज है कि आपको स्टॉप करना है ये पैटर्न, थॉट प्रोसेस, नेगेटिव माइंड सेट, लैक फील करना। हो सकता है कि आपका पर्सन डिमांड कर रहा है कि आप उसको टाइम दो, लेकिन आप जिद कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट इट नाउ। तो जो भी है, यू नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि मूव ऑन करने का कार्ड नहीं आया यहाँ पर। आपको स्टॉप करने का कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, और आपको कहा जा रहा है कि नहीं, मूव ऑन नहीं करना। सो गिवन जो भी सर्कमस्टांसेस हैं आपके, उसमें आपको अपना एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करना है। थोड़ा अपने आप को बदलो। जब आप अपने आप को थोड़ा बदलोगे तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिचुएशन वर्कआउट हो सकती है। इसको सही तरीके से आगे लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी ओरेकल मैसेज आपके लिए करंट सिचुएशन में। Stepping into your power, you are strong beyond measure. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि आप अपने आप को जब इस सिचुएशन में देखते हो इस इंसान के साथ, आप कहीं ना कहीं अपनी पावर लूज कर जाते हो बाय ऑब्सेसिंग ओवर इट। एक तो वो चीज़ हो गया, दूसरा आप जब चेज आफ्टर करते हो और आप अपने कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना कि फियरफुल एक्शन लेना, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फियरफुल एक्शंस भी लेते हो इस कनेक्शन को लेकर। सो वो सारी चीज़ें आपसे आपकी पावर फर्दर अवे जो है वो ले जाती हैं। सो ये चीज़ें नीड्स टू स्टॉप। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को, चाहे नो कॉन्टैक्ट पे हो चाहे इन टच हो, आप अपने माइंड पे या सर पे सवाल करके इस इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो। ये पावर आपने अपने आप को वापस दिलानी है। जब आप ये पावर अपने आप को वापस दिला दोगे और आपको अगर लग रहा है कि ओहो हो, अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर आप चेज आफ्टर नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सारा आपके माइंड का गेम है। आपने अपनी पावर वापस लेके आनी है, अपना फोकस खुद के ऊपर लेके आना है, अपने हाथ में कंट्रोल लेकर आना है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया हुआ है आपकी लाइफ पे, आपके माइंडसेट पे, आपके मूड्स पे।
ये कंट्रोल आपने वापस लेना है, आपने इस इंसान को पेडेस्टल पे रखा हुआ है, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी ऑटोमेटिकली सिचुएशन बेटर हो जाएगी, और आप इस इंसान को लेकर जो ऑब्सेशन फील कर रहे हो, जो नेगेटिविटी फील कर रहे हो, जो लैक फील कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगा। जो ऑन एंड ऑफ साइकिल है, जब आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे, एक स्टेबिलिटी के साथ एक डिसीजन लोगे एंड देन यू स्टिक टू दैट डिसीजन कि ठीक है, पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, आप इससे बात नहीं करोगे, सो मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड देन स्टिक टू दैट डिसीजन। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वीक पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ, मेरे इमोशंस आ जाते हैं, नो, आप स्ट्रांग हो, आपको अपने माइंड को बस समझाना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपने एफर्मेशंस यूज़ करना है, आपने प्रेयर्स यूज़ करना है, आपने ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी डेली लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक आउटकम आप रिसीव कर सको अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, जिसको लेकर आप वरीड हो राइट नाउ। ठीक हो गया? जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए अगेन रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप जो चाह रहे हो वो हो सकेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। वी डू हैव द मिरेकल्स, देयर यू गो, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। आप जब ये छोटे छोटे चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली सब फिक्स हो जाएगा, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। आपको लग रहा है कि यू आर नॉट सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बेसिकली आपका फियर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपका एक अनहेल्दी पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ये सब चीज़ों से आपने अपने आप को ब्रेक फ्री करना है। आपका कनेक्शन विद द डिवाइन हैज टू गेट स्ट्रांगर, वो भी एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। अगेन जो भी सर्कमस्टांसेज है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद मूव ऑन करना ही इज़ द ओनली ऑप्शन, मुझे लगता है कि आप जब खुद के साथ बैठोगे, मेडिटेट करोगे, कोशिश करोगे दिन में 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ज़रूर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि एक रूटीन बनाओ कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे डिवाइन के साथ, मेडिटेट करते हुए अपने जो माइंड में जो क्लटर है उसको क्लियर करोगे, पॉजिटिव थाट्स जो है उसको नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स से रिप्लेस करोगे, एक जो पैटर्न है चेंज करने की जो ज़रूरत है उसको चेंज करोगे, और सब कुछ मिरेक्युलसली बाकी सब वर्कआउट हो जाएगा। आपका सिर्फ माइंड का गेम है जो चेंज करने वाला है, और देन एवरीथिंग विल वर्कआउट। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप करंट सिचुएशन में अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? सी सम मोर ओरेकल गाइडेंस। और क्या कर सकते हो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करने के लिए अपने करंट सिचुएशन में, ताकि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत ना फील हो और आप अपने आप को बिजी भी रख सकते हो? एक और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है करंट सिचुएशन में, कि आप अपनी लव लाइफ से फोकस थोड़ा हटा दो अपने माइंड का, उससे भी आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑब्सेस हो रहे हैं एक आउटकम को लेकर और आप करंट में चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपका कनेक्शन हेल्दी है, लेकिन आप एट द सेम टाइम जब फ्यूचर का सोचते हो तो आपको फ्यूचर आता दिख नहीं रहा, स्टैग्नेशन दिख रही है। तो इन दैट सिचुएशन टू आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है। लेट्स सी फर्दर मोर ओरेकल गाइडेंस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल्स अकर। सो देयर यू गो अगेन, मिरेकल का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी इन द वर्क्स टू हैपन, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल है। तो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, और आपकी जो ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, वो मैनिफेस्ट होने वाली हैं। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। सो जस्ट वेट एंड सी, एज यू वेट, वाइल यू वेट, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको। अपने आप को अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं रख सकते हो, तो अपने लिए कोई हॉबीज़ ढूंढो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आप खुश रहते हो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्क जाना, जिम जाना, रीडिंग करना, लाइक बुक रीडिंग करना, स्विमिंग करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, जो भी चीज़ आपको एक्साइट करती है, पॉजिटिव फील कराती है, उस फीलिंग स्टेट में आपको आना है। जब आप उस फीलिंग स्टेट में आओगे, सिचुएशन खुद ब खुद बदलने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।